जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टडी विद मुरेंद्र पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, CITS की जो काउंसलिंग है वो चल रही है, उसके एडमिशन चालू हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट काउंसलिंग के सभी एडमिशन चालू हैं और बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो मैं उन सभी को बताने वाला हूँ कि आपको सामने दिखाना चाहता हूँ कि वो क्या डिस्कस करके पूछ रहे हैं कि सर हम क्या करें। तो उनके कमेंट के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख रहे हैं, इंद्रजीत कुमार कह रहे हैं सर नियरेस्ट NSTI में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किसी भी NSTI जो आपके नज़दीक पड़ता हो वहाँ जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर रही हैं शिवांगी गुप्ता जी, पूछ रही हैं सर फी कब जाना होगी। यहाँ पर लिखिए सर फीस कब जमा होगी। तो मैं आपको बता दूँ, आपके जो 1000 रुपये काउंसलिंग के दौरान जमा किए गए थे उसी में से आपकी फ़ीस कट जाएगी। और आखिरी बार जब आप जिस कॉलेज में आपका एडमिशन होगा परम स्थायी रूप से, उसमें आपकी फ़ीस जमा होगी। तो ये क्वेश्चन का आंसर ही आपको सभी को मिल गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मानवी राव, मानवी राव क्या कह रही हैं सर प्लीज़ टेल मी वन थिंग्स कि अगर हम प्रोविजनल एडमिशन कराने के बाद अगर हमने ट्रांसफ़र कराना हो तो दूसरे इंस्टीट्यूट में, तो पहली सीट रिजर्व रहेगी या नहीं। ये कहना चाहते हैं कि अगर हम ट्रांसफ़र कराएंगे तो दूसरे जो इंस्टीट्यूट है जिसमें हमें पहले अलॉटमेंट की गई थी सीट, क्या वो रिज़र्व रहेगी या नहीं। तो इसी के बारे में मैं आपको कुछ नोटिस कराने वाला हूँ जो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं फ्रेंड्स, वे सभी स्टूडेंट्स जो कन्फ्यूजन में है तो उनके बारे में मैं ये वीडियो मैं बताने वाला हूँ कि वो क्या करें। तो चलते हैं उस टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, पॉइंट नंबर 10 पर जिन उम्मीदवारों ने प्रोविजनल एडमिशन लिया है और जिन्हें पहली पसंद की संस्था नहीं मिली है उनके लिए फर्स्ट राउंड ट्रांसफ़र का विकल्प होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये नोटिस करें सभी स्टूडेंट्स। और आगे यहाँ पर लिखा हुआ है सिर्फ उन्हीं उम्मीदवारों के लिए है जिन्हें एडमिशन लिया है। नेक्स्ट में पंक्ति में लिखा है उन उम्मीदवारों के लिए स्थानांतरण का विकल्प खोला जाएगा जिन्हें पहली पसंद की संस्थाएं नहीं मिली है। नेक्स्ट यहाँ पर है सिर्फ संस्था परिवर्तन के लिए एक बार ही विकल्प दिया जाएगा। यही भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार विकल्प दिया जाएगा संस्थान परिवर्तन के लिए और बाद में उम्मीदवार अपनी पसंद प्राप्त करने की अपनी संभावना को देख सकते हैं और अपनी पसंद को फ्रीज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई है। अपने यहाँ पर लास्ट में देख रहे हैं मेरिट के अनुसार उम्मीदवार को उसकी पसंद का संस्थान यदि उपलब्ध होगा तो प्रदान किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन की गई है, यदि पसंद किया गया स्थान उपलब्ध होगा तो प्रदान किया जाएगा। और लास्ट में यहाँ पर देख लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइनिंग यहाँ पर लिखी गई है, ट्रांसफ़र का विवरण दिन के अंतिम में उम्मीदवार लॉगिन में उपलब्ध होगा। तो फ्रेंड्स, आपके लॉगिन पर उपलब्ध हो जाएगा को कई तारीख को, 23 तारीख को। तो इतना आपको ध्यान रखना, 23 तारीख को ये ट्रांसफ़र प्रक्रिया चालू रहेगी और जो भी इसमें भाग लेना ले सकते हैं। एक बार ट्रांसफ़र पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद, ये लाइनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, एक बार ट्रांसफ़र प्रक्रिया पूरी होने के बाद उनके मूल रूप से आवंटित स्थान में परिवर्तन के अवसर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ये बात बोल दी गई है जो कि उनका क्वेश्चन था, वही क्वेश्चन का के आंसर यहाँ पर आप सभी को मिल गया होगा कि एक बार ट्रांसफ़र प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद उनके मूल रूप से आवंटित संस्थान में परिवर्तन के अवसर नहीं मिलेगा। यानी कि आपकी जो ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण होगी तो आपको जो पहला वाला जो आवंटित किया गया था संस्थान उसको वापस नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे जिन उम्मीदवारों को स्थायी प्रवेश मिल गया है उन्हें मूल दस्तावेज के साथ NSTI में कक्षा के खुलने के दिन जाना होगा। तो फ्रेंड्स, सारे दस्तावेज लेके जाने हैं आपको, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। शायद आपका जो क्वेश्चन था उसका आंसर आपको सभी को मिल गया होगा। वीडियो अच्छे लगे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे सभी को ये लाइनिंग पता हो। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।